वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खास और बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, आज की रेमेडी जो है वो आपके दांत खास खुजली के लिए है, समाप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आप पूरे इन तक देखें ताकि इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स कितना बुरा लगता है ना, कोई भी आपके अंग पे कहीं भी आप दांत खास खुजली जो होते हैं तो कोई भी देख लेता है तो आपसे दूर भागते हैं लोग। यार सोचते हैं कि मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो कोई जाता नहीं है। तो फ्रेंड्स आप अगर चाहते हैं कि मेरी जो दांत खास खुजली आपको होती है वो खत्म हो जाए जड़ से, तो मेरे इस वीडियो का पूरा इन तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस रेमेडी में कि आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, आपको कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स आपको पहली और मुख्य चीज जो आपको लेनी रहेगी वो है फिटकरी। तो यहाँ पे हमने फिटकरी लिया है फ्रेंड्स, आपको एक फिटकरी लेना है और यहाँ पे हमने फिटकरी का एक चूर बना लिया है। तो यहाँ पे हमने चूर बना लिया है और फ्रेंड्स आपको आधा चम्मच इस फिटकरी का चूर लेना रहेगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फिटकरी में एंटी फंगल की गुड़ पाया जाता है जो आपके दांत खाज खुजली को खत्म करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट इंग्रीडियंट जो आपको लेना रहेगा वो है एलोवेरा जेल। तो हमको आपको एलोवेरा जेल एक चम्मच लेना रहेगा और दोनों चीज को अच्छे से मिक्स करना रहेगा इस तरह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको एक कॉटन लेना है और कॉटन को इस पेस्ट में आपको डिप करना है और डिप करके आपको जिस स्थान पे भी आपको दांत खाज खुजली हुई है उस स्थान पे आपको ऐसे लगानी है, आपको ऐसे से लगाना है। और फ्रेंड्स बता दूं कि आपको ये जो इन्फेक्शन होता है एक तरफ का एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है जो आपके शरीर पे हो जाता है और लोग देखते हैं तो उससे आपके आपसे दूर दूर भागते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस रेमेडी का अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। तो इस तरह आपको लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देना रहेगा और आपको नॉर्मल से धुल लेना रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको मैंने बताया कि आपको लगा के 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना रहेगा और आपको नॉर्मल से धुल लेना रहेगा। और फ्रेंड्स अब मैं जो आपको बताऊंगी टिप्स वो है नवरत्न पाउडर। तो आपको एक नवरत्न पाउडर लेना है और ये जो आपको जो पाउडर है वो कूल करता है, एकदम से ठंडा रहता है आपका अगर इस रेमेडी का अगर इस पाउडर को आप लगा रहे हो तो। और आपको जिस स्थान पे आपको हुआ है दांत खाज खुजली उस स्थान पे आपको इस पाउडर को लगा के ऐसे ही छोड़ देना रहेगा। आप पहले तो अब इस जो मैंने पहले बताया उसको आपने लगाया और उसको वॉश करके आपको ये लगाना है पाउडर और लगा के आपको ऐसे ही छोड़ देना रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस रेमेडी का फॉलो कर रहे हो आपको बता दूं कि इस रेमेडी का प्रयोग आपको हफ्ते में अगर आपको जाते हैं आपको दांत खाज खुजली आपके शरीर पे जाते हैं तो आप इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 4 बार यूज कर सकते हैं, 5 बार भी यूज कर सकते हैं, कोई भी खराब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कितना भी भयंकर आपका जो दांत खाज खुजली रहेगा एकदम से खत्म हो जाएगा इस रेमेडी के प्रयोग से। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस रेमेडी से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आगे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।